नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है। आप द पंचायत देख रहे हैं। इस वक्त जो बड़ी आज घटना हुई है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वो ये हुई है कि अपर्णा सिंह यादव कहिए पूरी, क्योंकि जो मुलायम सिंह यादव की बहू हैं वो भाजपा में शामिल हो गई हैं, जिसके वजह से एक बड़ी उठापटक देखने को मिली है यहाँ पे। अब तक वो सपा का हिस्सा थी, लेकिन उसी परिवार से निकल के जो परिवार इस बार समाजवाद की बड़ी लड़ाई के रूप में अपने पूरे चुनावी कैंपेन को बता रही है और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का दावा कर रही है, उस पार्टी से निकलकर वो सीधे भाजपा में आ गई हैं, भाजपा का दामन थाम लिया है। और भाजपा में आने के बाद उन्होंने कहा है कि उनके लिए सबसे पहले राष्ट्र है। अब उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि भाजपा में जाने के बाद और भाजपा का दामन थामने के बाद ही उनको राष्ट्र नजर आता है और समाजवादी पार्टी में वो राष्ट्र उनको नजर नहीं आता है? अगर समाजवादी पार्टी में उनको राष्ट्र नजर नहीं आता है तो इससे यह भी मैसेज आता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की पार्टी जो है वो जो शोषित वंचित लोगों की बात करने की बात कहती है वो शायद नहीं कर पा रही है। और इसका एक दूसरा हिस्सा यह भी देखा जाता है कि अपर्णा सिंह यादव वो योगी आदित्यनाथ के रिश्तेदार भी बताई जाती हैं। अपर्णा सिंह बिस्ट उनका नाम है, राजपूत कम्युनिटी से आती हैं। तो यह भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो अपने जो रिलेटिव हैं योगी आदित्यनाथ, उनका प्रेशर रहा हो और उनको किसी तरीके से लेके आके यह बताने की कोशिश की जाए कि समाजवादी पार्टी में तो घर में ही फूट है, और घर में फूट होने के बाद जब लोग बाहर निकल जा रहे हैं तो फिर वो पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या डेवलपमेंट करेगी, जब वो अपने परिवार को संभाल नहीं पा रही है तो क्या डेवलपमेंट करेगी। हालांकि अपर्णा सिंह ने कहा कि वो अब प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ से बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं, उनके कामकाज से बहुत ज़्यादा उन्हें प्रेरणा मिलती है, इसलिए वो चाहती हैं कि भाजपा का दामन थाम के वो राष्ट्र की बात कर सकें, यूपी की बात कर सकें, यूपी के डेवलपमेंट की बात कर सकें। लेकिन आप भी इस बात को बेहतर तरीके से समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश का इस बार चुनाव इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भी बड़े नेता इस बार रहे वो बहुत भाजपा के बड़े नेता जो कि 2017 में दूसरी पार्टियों से आए थे, वो इस बार इस पूरी पार्टी को छोड़ करके और वापस सपा में या बसपा में ट्रांसफर हो रहे हैं। वहीं अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात आप करेंगे तो जयंत चौधरी की पार्टी में कई ऐसे लीडर्स, बड़े लीडर्स आ रहे हैं और अपनी अपनी छवि को बेहतर करने के लिए, अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार लोग काम कर रहे हैं। टिकटों का बंटवारा भी उसी तरीके से हुआ है। हालांकि एक पार्टी जिसको भूला जा रहा है, इवन कहिए दो पार्टी, क्योंकि कांग्रेस को भी इस पूरे इलेक्शंस में समाजवादी वर्सेस भाजपा कर दिया गया है, लेकिन वो भूल रहे हैं कि कांग्रेस भी बड़ी मजबूती के साथ लड़ रही है। प्रियंका गांधी जो कि लगातार उत्तर प्रदेश में जमी हुई हैं और पिछले 2 साल से उनका जो उत्तर प्रदेश को लेकर के कामकाज रहा है उसे भी आप देखकर समझ सकते हैं कि क्या है। तो एक पूरे तरीके से मूल्यांकन करना जरूरी है। हालांकि बसपा जरूर इस पूरे इलेक्शन में बहुत दूर नजर आई उत्तर प्रदेश में, लेकिन जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है बसपा बड़े पैमाने पर आ रही है और बीते दिनों मायावती ने कह ही दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। बाकी बसपा से कौन अभी सीएम का कैंडिडेट है इसका कोई पुख्ता वो नहीं दिया गया है, और समाजवादी पार्टी में तो अखिलेश भी कह चुके हैं कि जब पार्टी डिसाइड करेगी तो वो किया जाएगा। हालांकि इलेक्शंस 10 मार्च को काउंटिंग होगी, उसके बाद पता चलेगा कि क्या होगा। लेकिन सिचुएशन जिस तरीके से नज़र आ रही है, डेवलपमेंट्स को लेकर के कोई भी पार्टी बात नहीं कर रही है। हाँ, दलित शोषित वंचितों की जरूर बात है, माइनॉरिटीज़ की जरूर बात है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मंदिर और मस्जिद की पूरी लड़ाई सीमित होकर रह गई है और उस लड़ाई में यह बताने की कोशिश की जा रही है कि 80 और 20 का एक टारगेट है, यानी कि 20% जो मुसलमान है वो जरूर भाजपा के साथ नहीं आएंगे। यानी कि भाजपा पूरा क्लियर कर रही है कि देखो जी, मुसलमान हमारे साथ तो नहीं आ रहे हैं, आप दलित हो, वंचित हो, चाहे जिस भी तरीके से हैं, ट्राइबल्स हैं, आप हिंदू हैं और आएंगे। यानी कि दलितों की आइडेंटिटी चुनाव में जा करके साफ होती है कि ये दलित नहीं है, ये हिंदू हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्शन और वोट बैंक खत्म हो जाता है तो उसके बाद से दलित दलित ही रहता है। दलित के घर अभी बीते दिनों आपने जो इवेंट देखा कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ और तमाम लोग गए, तो मुझे यह समझ में नहीं आता है कि जब ये लोग जाते हैं किसी दलित के यहाँ खाना खाने के लिए तो वहाँ पर पूरी सब्जी क्यों खाते हैं, खिचड़ी क्यों खाते हैं? क्या उन दलितों के घर का ये लोग जूठन खा सकते हैं? क्या उन दलितों के घर का जो वो सूखी रोटी खाते हैं, बासी रोटी खाते हैं, क्या ये लोग खा सकते हैं? नहीं, ये लोग नहीं खा सकते हैं। लेकिन इनका दिखावा होता है कि हम दलितों के लिए बहुत बड़ी चीज़ें कर रहे हैं, इसलिए ये दिखावे में अपनी चीज़ों को शामिल कर रहे हैं और आगे लेके आ रहे हैं। तो फिलहाल हम उत्तर प्रदेश में जो भी घटनाएं अभी हो रही हैं उसको लेकर के आप तक आएंगे
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो, और फेसबुक को पेज को लाइक शेयर करना ना भूलें। वीडियो पसंद आती है तो इसे भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।